हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टायर लाइफ कैसे इंक्रीज कर सकते हो एंड उसी के साथ आपका रोड परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एयर प्रेशर। मैं आपको इसको ना डिवाइड करके बताता हूं कि जब आपका अंडर इन्फ्लेटेड रहता है, जब हवा कम रहती है, और जब ओवर इन्फ्लेटेड रहता है, जब हवा ज़्यादा रहती है, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। ये आपका टायर है, ये इतना जो पार्ट है ना, ये हमेशा रोड कॉन्टैक्ट में रहता है। जब ये आपके टायर में हवा कम रहती है, तब ये जो एंड पार्ट्स हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये ज़्यादा वेयर आउट हो जाते हैं। ये एक अंडर इन्फ्लेटेड टायर का प्रॉब्लम है। एंड सेकंड में बताता हूँ करके, आपको जो ब्रेकिंग रहता है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि बहुत रिस्की है रोड पे। एंड थर्ड पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन रहता है वो प्रॉपर नहीं रहता। एंड फोर्थ पॉइंट है कि ना, मतलब जो आपका माइलेज है, आपका जो पेट्रोल है, वो ज़्यादा जाता है। एंड वर्स्ट ये वेट कंडीशन में रहेगा, वेट रोड पर ये वर्स्ट रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ओवर इन्फ्लेटेड रहता है, जब हवा ज़्यादा रहती है, तब क्या प्रॉब्लम आता है। जब इस टायर में हवा ज़्यादा है तो ये जो सेंटर पार्ट है ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये ज़्यादा वेयर आउट होता है। इसमें क्या होता है, हवा ज़्यादा है, टायर स्टिफ हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए आपको राइड भी बहुत बम्पी मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बर्स्ट हो सकता है ऐसे कंडीशन में। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर आपको मैनुअल में जो PSI देते हैं उसको भी फॉलो कीजिए, या फिर आप ना एक हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप पेट्रोल फिल करने जा रहे हो तभी आप ना हवा भी चेक करें, क्योंकि जो पेट्रोल पंप पे ना वो एग्जैक्ट हवा रहेगी एंड वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगी। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन। ये जो हार्ड ब्रेकिंग एंड सडन एक्सेलरेशन रहता है ना, इस पॉइंट पे टायर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेयर आउट हो जाता है। सो वहाँ पे आपको ध्यान देना। ब्रेकिंग पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिकॉज ब्रेकिंग में बहुत बार ऐसे होगा कि आपको ब्रेक सडन ब्रेक प्रेस करना ही होगा, क्योंकि वो नीड होती है तभी। बट आप एक्सेलरेशन पे ध्यान दे सकते हो और वहाँ पे आप वेयर आउट को बहुत कम कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है हमारा टायर डेप्थ। अब ये चीज़ आप विजुअली भी देख सकते हो एंड जब बहुत कंपनीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करती हैं, हर टायर पे ना एक थ्रेड इंडिकेटर रहता है। इस थ्रेड इंडिकेटर का इम्पोर्टेंस क्या है, अभी समझिए। आपको मैं पहले बताता हूँ इसको आप देखना कैसे है। कोई भी टायर पे यहाँ पे तीन लाइन या फिर यहाँ पे ना एक एरिया दिया रहेगा, जहाँ पे दैट मीन्स वहाँ तक अगर आपका ना एक टायर का थ्रेड वेयर आउट हो चुका है, उसके बाद वो मतलब जो परफॉर्मेंस पहले वो देता था वो अब दे नहीं पाएगा। वो जो मतलब पहले जो आपका वाटर इवैक्यूएशन हो जाता था वो नहीं हो पाएगा। वाटर है ना, मतलब है ना जो ब्रेकिंग रहेगा रोड पे ना, मतलब है ना जो ग्रिप रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। सो इसका आपको ध्यान देना है। दैट मीन्स अगर यहाँ तक हो गया ख़त्म तो दैट मीन्स आपको तभी चेंज कर देना। सो फोर्थ पॉइंट है रोटेशन। आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स आपको टायर रोटेट कराना है। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि समझे, आपका है ना फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो फ्रंट के दो टायर रहते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा वेयर आउट होते हैं कंपेयर टू द बैक टायर। तो तभी क्या करना है, आपको जो फ्रंट टायर है वो पैरेलली पीछे आपको है ना, ये पैरेलल पीछे आपको लगाने हैं, जो आगे पीछे के टायर है वो क्रॉस में आगे लगाना। उससे क्या होगा कि सारे टायर ना प्रॉपरली वेयर आउट हो गए। इससे क्या होगा कि आपका लाइफ ज़्यादा बढ़ेगा एंड ज़्यादा टाइम तक वो टायर आप उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर पाओगे, वो उसका इंपॉर्टेंस है। एंड उसी तरह बैक टायर का भी है, जो भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट है ना अवेलेबल करा दूंगा, सो दैट डायरेक्टली आप देख के समझ जाओगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है लॉन्गर टायर लाइफ के लिए। एंड उसको एग्जामिन कैसे करना है, यहाँ पे दो पॉइंट है। फर्स्ट देखना करके कि आप जब ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी राइट या लेफ्ट तो नहीं जा रही, अगर राइट या लेफ्ट जा रही है तो वो एक इंडिकेटर है कि आपका व्हील मिसअलाइन हो चुका है। एंड सेकेंड है, आप विजुअली देखिए कि अगर कोई एक पार्ट है या लेफ्ट और राइट अगर ना ज़्यादा वेयर आउट हो चुका है, दैट मीन्स आपके व्हील मिसअलाइन हो चुके हैं एंड उनसे अलाइनमेंट की ज़रूरत है। एक और एक हैबिट है जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आफ्टर एवरी 7,000 किलोमीटर अलाइनमेंट कराइए, या फिर एवरी सिक्स मंथ्स के बाद आप अलाइनमेंट कराइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड जब ऑफ रोड करते हो ना तभी भी है ना मिसअलाइन हो सकता है करके व्हील, तो तभी आपको ध्यान देना है करके। सो ये सब पॉइंट्स है, अगर आप इसको है ना प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ये टायर का लाइफ है ना इंक्रीज हो जाएगा एंड उसको आप फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाओगे। सो दैट वाज माय वीडियो अबाउट हाउ टू इंक्रीज टायर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड देयर इज अ बेल आइकन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज डू प्रेस दैट, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।